हेलो चिल्ड्रंस, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल इंग्लिश स्टैंडर्ड 6 के लिए असाइनमेंट 28 फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स। यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर न्यू वर्ड्स बनाने हैं आपको। वेरी ऑफ्टन बाय एडिंग जस्ट वन लेटर बिफोर और आफ्टर गिवन वर्ड वी कैन हैव अ न्यू वर्ड्स। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक लेटर में आगे या पीछे ओके ऐड करके एक न्यू वर्ड बना सकते। फॉर एग्जाम्पल बाय एडिंग द लेटर डी टू द वर्ड्स एंड आफ्टर इट वी हैव न्यू वर्ड्स एंड। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि डी ऐड करके एन के आगे पीछे हम डी ऐड करके हम न्यू वर्ड मिलता है हमें एंड। एंड बाय एडिंग एम बिफोर इट वी हैव न्यू वर्ड्स मैन। अभी एन के आगे हम एम, तो यहाँ पर मैन हमें कौन सा न्यू वर्ड बनता है मैन। दिस इज एन इंटरेस्टिंग द गेम ऑफ द लेटर्स एन्जॉय बाय द चिल्ड्रंस एंड इट एनरिच देयर वोकैबुलरी। आपको अभी ये न्यू फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बनाना सीखना है क्योंकि आपकी वोकैबुलरी पावरफुल बन जाए। ओके, ये गेम की जैसे एन्जॉय करना है और आपको स्टडी भी करना है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सरसाइज 1। एड जस्ट वन लेटर बिफोर और आफ्टर द वर्ड गिवन इन द टेबल एंड मेक 3 मोर न्यू वर्ड्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बच्चों कि यहाँ पर एक बिफोर मतलब कि पहले या बाद में आपको एक वर्ड ऐड करना है जो टेबल में गिवन है। ओके, तो आप न्यू वर्ड्स बना सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल गिव वर्ड्स 8, 80 है, यहाँ पर न्यू वर्ड बनाना है लाइक मेट। यहाँ पर आपको एम आगे ऐड किया है तो मेट बन गया। ओके, फिर यहाँ पर 8 मेट केट और यहाँ पर हेट। समझ में आया बच्चों? अभी सेकेंड है ओ आर ई, और तो और से बन सकते हैं न्यू वर्ड मोर कोर और नोर। ओके बच्चों देखो यहाँ पर, फिर अवर फोर श्योर और ज्योर। फिर नेक्स्ट है इट ई ए टी ईट नीट सीट मीट। ओके, यहाँ पर ईट है ईट टू सीट बीट किट। फिर ईयर है तो हियर नियर और बियर। आर्ट है काट पार्ट चार्ट। ओके, इस तरह से आपको वर्ड बनाना है बच्चों। इंक है तो लिंक ब्लिंक स्लिंक। फिर आइस है तो राइस माइस और डाइस। फिर से देखेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर है गिवन वर्ड न्यू वर्ड्स न्यू वर्ड फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। आपको इस तरह से आपने अपने भी वर्ड थोड़े बनाने हैं। ओके, ए टी है यहाँ पर ए टी मतलब कि यहाँ पर मेन एम आगे लगाया हुआ है तो एम ए टी बन गया। ओके, फिर यहाँ पर सी आगे लगाया है। ओके, पहले लगाया बिफोर में ए टी के पहले सी लगाया है तो केट बन गया मेट केट हेट। ओके, समझ में बच्चों? इस तरह से मैंने ये सारे वर्ड बना दिए हैं, आपको और एक्स्ट्रा वर्ड भी लिखना है। ओके, नाउ सेकेंड एक्सरसाइज है बच्चों, यहाँ पर देखो इन द सेम वे मतलब कि इसी तरह आपको बाय ड्रॉपिंग जस्ट एनी वन लेटर फ्रॉम द गिवन वर्ड्स वी कैन हैव न्यू वर्ड्स। मतलब कि ड्रॉपिंग मतलब कि एक वर्ड निकाल देना है, ड्रॉप कर देना है, इससे हमें न्यू वर्ड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द वर्ड्स हीट हर्ट है यहाँ पर, तो इफ वी ड्रॉप द लेटर टी, यहाँ पर कौन सा लेटर कर दिया है ड्रॉप टी, तो इससे न्यू वर्ड बनता है हियर। समझ में आया बच्चों? इसी तरह ये एक लेटर को ड्रॉप करके न्यू वर्ड बनाने हैं। मतलब कि यहाँ पर गिवन वर्ड है, आपको एक लेटर ड्रॉप करके न्यू वर्ड बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट है प्लेट। प्लेट में हमने पी को ड्रॉप कर दिया है तो लेट बन गया। ओके, यहाँ पर अवर है अवर तो एच ड्रॉप कर दिया है तो अवर बन गया। ओके, यहाँ पर फील है ओके तो यहाँ पर एल लास्ट वाला लेटर एल ड्रॉप कर दिया तो फी बन गया। ओके, फिर यहाँ पर फोर नंबर है टेबल, टेबल में टी को ड्रॉप कर दिया तो बन गया है एबल। ओके, यहाँ पर फाइव नंबर में लीड है, लीड में हमने ई को ड्रॉप कर दिया है तो लेड बन गया। ओके, नाउ अंडरस्टैंड इट बच्चों। नाउ सिक्स नंबर में है रीड, रीड में मैंने यहाँ पर देखो ई ए डी ई ए डी मतलब कि आर को ड्रॉप कर दिया है मतलब कि ईड बन गया है ना बच्चों। फिर सेवन में सोइल,
सॉइल में मैंने एस ड्रॉप कर दिया है तो ऑयल बन गया, ओके। नाउ यहाँ पर 8 नंबर में है प्रोज, तो पी को ड्रॉप करने से क्या बना है, आर ओ एस सी रोज बन गया, ओके। फिर 9 नंबर है बैंक, यहाँ पर बैंक में मैंने यहाँ पर एन को ड्रॉप कर दिया है, ओके, बैक, तो बैन, सॉरी बच्चों, यहाँ पर के को ड्रॉप कर दिया है तो बैन बन गया। आप एन को भी ड्रॉप कर सकते हो तो बैक बन जाएगा, ओके। इस तरह से इवेंट में टी को ड्रॉप करने से इवेंट, ओके। नाउ यहाँ पर गिवन वर्ड है नीज है, तो यहाँ पर न्यू वर्ड बन गया, देखो आई सी ई, तो आइस, ओके, हमने दो वर्ड्स ड्रॉप कर दिए यहाँ पर, ओके। फिर 12 नंबर में वीट, तो मैंने एच ड्रॉप कर दिया तो वीट बन गया, ओके। थ्रेट है यहाँ पर 30 नंबर में, थ्रेट है तो यहाँ पर मैंने टी को ड्रॉप कर दिया है, थ्रेट, ओके। फिर 40 नंबर में वर्ड है, वर्ड है तो यहाँ पर एल ड्रॉप कर देने से वर्ड बन गया, ओके। फिर यहाँ पर 50 नंबर में पोएट है तो यहाँ पर ई को ड्रॉप कर देने से पोट बन जाता है, पी ओ टी, पोट। समझ में आए बच्चों, एक वर्ड ड्रॉप करने से भी न्यू वर्ड बना सकते हैं, ओके। नाउ एक्सरसाइज नंबर 3 को देखेंगे, ओके। ये सारे होमवर्क में आपको लिखना है और आपको, आपसे हो सके तो न्यू वर्ड आपको भी बनाना है, ओके। थर्ड नंबर में है अ न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाई सब्स्टिट्यूटिंग जस्ट न्यू लेटर इन द गिवन वर्ड्स बाई अनदर लेटर्स। अभी क्या बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एक हमने देखा कि एक लेटर ड्रॉप करने से न्यू वर्ड बनता है, एक लेटर में आगे या पीछे लगाने से, ऐड करने से न्यू वर्ड बनता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक लेटर की जगह दूसरी लेटर को डालने से भी न्यू वर्ड बन जाता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल बाई सब्स्टिट्यूटिंग आर इन द वर्ड राउंड, अभी यहाँ पर राउंड है उसमें आर की जगह हम एस यूज़ करेंगे, ओके। तो आर की जगह एस यूज़ करने से भी न्यू वर्ड बनता है राउंड, और न्यू वर्ड क्या बनेगा, साउंड। आर की जगह हमने क्या यूज़ किया, एस, ओके, तो साउंड बन गया राउंड साउंड। दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग वर्ड बिल्डिंग गेम, अभी ये वर्ड बिल्डिंग गेम है, इंटरेस्टिंग है तो आपको ये करना है। तो नाउ जस्ट मैंने ये आंसर लिखे हैं, आप इस तरह से और भी अपनी तरीके से बना के आंसर भी लिख सकते हो ना बच्चों। यहाँ पर गिवन वर्ड है न्यू वर्ड एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूशंस, मैंने यहाँ पर फर्स्ट है लॉन्ग में देखो यहाँ पर एल ओ एन जी लॉन्ग है तो यहाँ पर एल की जगह मैंने एस लिख, यहाँ पर सॉन्ग, ओके। फिर नेक्स्ट है स्लो, तो यहाँ पर फ्लो, एस की जगह क्या लिखा है हमने, एफ, तो स्लो फ्लो। थर्ड है क्लास ग्लास, फिर लीड बीड, ब्रेन ट्रेन, मिल सिल्क, ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। फिर 7 है रियल मील, फिर बैटर बैटल सेटल, चीफ नाइफ, यहाँ पर नाइफ लिखा है, लाइफ वाइफ, फिर थिंग किंग, यहाँ पर टी एच निकाल दिया है मैंने, किंग बना दिया है, ओके, लाइट, फिर राइट। इस तरह से आप भी अपने तरीके से न्यू वर्ड बनाइए, ओके। फिर 4 नंबर है देखो बच्चों, यहाँ पर इन द सेम वे, इसी तरह से हम समटाइम्स वी फाइंड स्मॉलर वर्ड हिडन इन द बिगर, अभी क्या बोले कि एक बड़े वर्ड में छोटा वर्ड छुपा रहता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल द स्मॉलर वर्ड ऑल इन हिडन ए बिगर स्मॉल, ओके, स्मॉल में देखो यहाँ पर ऑल छुपा है ना, देखो स्मॉल में ऑल छुपा हुआ है, तो ये न्यू वर्ड बन गया, ओके। द नाउ फोर एक्सरसाइज नंबर 4 करते हैं, फाइंड द स्मॉलर वर्ड इन द फॉलोविंग्स वर्ड, अभी फर्स्ट इज डन फॉर यू, गिवन वर्ड है स्मॉलर वर्ड है यहाँ पर स्वर्ड, स्वर्ड में है एस निकाल देने से वर्ड बन जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर ट्विंकल है, ओके, ट्विंकल में विन, देखो यहाँ पर विन, ओके। फिर बट नेक्स्ट है बटचर, यहाँ पर देखो बट बी यू टी बट अलग से वर्ड बन रहा है, फिर यहाँ पर सेंटेंस है तो यहाँ पर टी ई एन टेन बन रहा है, ओके। आप भी इस तरह से अलग वर्ड बना सकते हैं, ओके, ये 4 एग्जांपल हैं, आपको अगर अलग से आंसर लिखना है, अलग से न्यू वर्ड बनाने हैं तो आप श्योर बना सकते हो, ओके। यहाँ पर है स्टोन, स्टोन में देखो यहाँ पर ओ एन ई वन अलग से ही दिखाई दे रहा है, ओ एन ई वन। फिर यहाँ पर नियर,
देखो आपको नियर, तो एन निकाल देने से ईयर बन जाएगा, ओके ईयर। फिर फ्लेम, यहाँ पर फ्लेम में मी, ओके मी, तो एम ई मी। फिर कंबाइन है यहाँ पर, तो सी ओ एम बी कॉम्ब बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट है नाइन नंबर में परमानेंट है, तो परमानेंट में देखो यहाँ पर एम एन मैन, ओके। फिर यहाँ पर प्लेजर्स, प्लेजर्स में एस यू आर ई श्योर बन रहा है, ओके। ना प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर आर ओ पी रोप, ओके। फिर यहाँ पर फोटोग्राफ है, तो फोटोग्राफ में एच ओ टी होट बन रहा है, ग्राफ भी बन रहा है, मैंने यहाँ पर होट लिखा है। तो आपको जिस तरह से समझ में अंडरस्टैंड हो उस तरह से लिखना है, पूरा वर्ड लिखना है। फोटो भी लिख सकते हो, ग्राफ भी लिख सकते हो, हॉट भी लिख सकते हो, ओके। फिर नेक्स्ट है स्वाम, स्वाम में आप डब्ल्यू ए आर वार लिख सकते हो, ओके। फिर नेक्स्ट यहाँ पर स्टेबल, स्टेबल में यस एबल है, स्टेबल है, ओके। इस तरह से आप बना सकते हो एबल। नेक्स्ट है कैमरा है, तो यहाँ पर सी एम कैम भी बन सकता है, ओके कैम, सी एम ई कैम बन सकता है, एरा भी बन सकता है, ओके। नाउ इस तरह से आप बना सकते हैं न्यू वर्ड। फिर नेक्स्ट लास्ट है स्ट्रो, स्ट्रो में क्या करना है बच्चों, देखो आपको रो दिखाई दे रहा है, एक रो, तो आर ए डब्ल्यू रो। इस तरह से आप न्यू वर्ड बना सकते हैं। ये हमारा चैप्टर हुआ असाइनमेंट नंबर 28 फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स। आपको ये सारा चैप्टर एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 टेक्स्ट बुक में फिल करना है, और आपकी जनरल इंग्लिश की नोटबुक में भी राइट करना है, और थोड़े आपसे भी हो सके उतने न्यू वर्ड बनाने। ओके नाउ टेक केयर चिल्ड्रंस, बाय बाय, सी यू अगेन।